आप लोगों की परीक्षा है उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में आशुलिपिक पद पर, जिसे स्टैनो भी बोलते हैं अंग्रेजी में। आशुलिपिक परीक्षा है आपकी 23 नवंबर 24 नवंबर में। तो थोड़ा है क्या, कुछ बच्चों का ये रह रहा है, बैठ जाओ सब, जैसे ये रह रहा है कि सर परीक्षा देने जाए नहीं जाए। अब जिनको शॉर्ट हैंड अच्छी तरीके से आती है वो तो जा रहे हैं, और जिनको नहीं आ रहे हैं वो थोड़ा असमंजस में है। तो मैं कहता हूँ परीक्षा देने सभी जाएं, पहले जिनको आती है वह भी, जिनको नहीं आती है वह भी, रुके नहीं, किसी के कहने में नहीं आए। ठीक है, तो कुछ नियम है वहां, कैसे क्या है, जो जिन पहली बार जा रहे हैं थोड़ा भयभीत हैं, थोड़ा समझ लें उस चीज को। ठीक, जैसे वहां पहले आप जाएंगे होगा क्या, सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड देखेंगे और वगैरह, आप जो टाइपिंग में गए थे वो सारा चीज वैसे ही नियम रहेगा, बस आपको डेस्कटॉप पर जैसे टाइपिंग बिठा लो तो वैसे बिठा देंगे किसी लैब में। अब वहां क्या होगा, वहां आपको पहुंचते ही इन्विजिलेटर होंगे वहां, और काफी परीक्षा के व्यक्ति भी होंगे और वो अपने नियम बता रहे होंगे और बोल रहे भी होंगे, कुछ माइक से बोला जा रहा होगा। ठीक है, माइक से बोला जा रहा होगा कि आप लोगों की आज उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में स्टैंड पद पर परीक्षा है, आशुलिपिक परीक्षा है, जिसमें आप लोगों की डिक्टेशन होगी, आप लोगों को सभी को पता है। अब होता क्या है कि पहले उसमें आप लोगों को परीक्षा एक कॉपी दे दी जाएगी, जो शॉर्ट हैंड लिखते हैं उसके 10 पेज 12 पेज 20 पेज होते हैं, और उस पर पुलिस विभाग का सारा छपा हुआ होगा, लोगो वगैरह मोहर लगी हुई होगी। तो क्या होगा, उसमें बोलेंगे कि भाई आप लोगों की जो डिक्टेशन होगी, डिक्टेशन होने से पहले आप लोगों को थोड़ा ट्रायल दिया जा रहा है, उसमें आप हमारी आवाज, माइक की आवाज या हमारा बोलने का वो चीज समझेंगे, जिसको कोई दिक्कत आएगी वो पूछ लेंगे हमसे, फिर उसको ठीक कर दिया जाएगा और फिर आप परीक्षा देंगे। तो वो बोलेंगे 1-2 मिनट का मैटर, ठीक है, और 1-2 मिनट का मैटर आपको लिखना है, और वहां कोई दिक्कत पैदा हुई आपको आवाज सुनने में, जैसे माइक द्वारा बोलेंगे या फिर लाइव बोलेंगे, तो जो भी दिक्कत आ रही है आप बता देंगे उनको, और बताने के बाद में आप लोगों को वह ठीक कर दी जाएगी, और फिर आवाज फिर आएगी कि भाई आप लोगों का अब मेन मैटर चालू होने वाला है। मेन मैटर चालू होगा 5 मिनट बाद या 2 सेकंड बाद या ऐसे करके 5 सेकंड बाद, इस तरीके से बोलेंगे, और जो आपने अभी ट्रायल लिखा है उसको कट कर दें। ठीक है, और कट करने के बाद में अब मैन मैटर लिखना चालू करेंगे। अब वो मैन मैटर क्या है, 5 मिनट का मैटर बोला जाएगा और 80 की स्पीड से बोले जाएगा, 80 वर्ड पर मिनट, 400 शब्द हो गए, 400 शब्द आपने शॉर्ट हैंड में लिख दिए। लिखने के बाद में उनका अनुवाद टाइम कराना है, अनुवाद कराएंगे, अनुवाद जो होगा वो टाइपिंग द्वारा होगा, किसके द्वारा होगा, टाइपिंग द्वारा, और टाइपिंग जो होगी वो मंगल फॉन्ट के इंस्क्रिप्ट पर होगी, आप जानते ही हैं, आप लोगों ने नियम निकाल लिए होंगे सारे, सभी इस पर होगी। इस पर टाइमिंग दे रहे हैं 40 मिनट, वो 40 मिनट में आपको अनुवाद करना है। ठीक है, तो ये आपका वहां प्रक्रिया होगी। अब कुछ इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात है, पहले तो मैं उनको बताना चाहता हूँ जो जो शॉर्ट हैंड नहीं जानते हैं और वो कह रहे हैं कि सर हम देने नहीं जाएंगे, समझ रहे, तो पेपर देने सभी जाओ, पहले तो इसका शॉर्ट हैंड का टेस्ट देने सभी जाओ, क्या पता बहुत से इसी चक्कर में परीक्षा देने नहीं जा रहे कि आसल भी आते नहीं हम। ठीक है, तो होगा क्या, क्या पता कि बच्चे वहां ना मिले तो तीसरी लिस्ट डाल दें, क्योंकि स्टैनो के बच्चे ना मिलेंगे, क्योंकि उसमें जब नोटिफिकेशन जारी करा था कि 40% के सभी बच्चे लिए जाएंगे, और 40% में कुछ बच्चे इतने बुला लिए कि भाई अब शॉर्ट हैंड के लिए, अब शॉर्ट हैंड में भी ना मिलेंगे, क्या पता तीसरी लिस्ट डाल दें, तो तीसरी लिस्ट के लिए जब बुलाएंगे तो उन्हीं को बुलाएंगे जो इसमें प्रेजेंट होंगे। मैं पक्का नहीं कह रहा हूं कि बुलाएंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर हुआ ऐसा तब तो देने जाए, और ना भी होगा कुछ भी ना होगा तो, पर ये तो है कि आपको अनुभव आएगा ये परीक्षा क्या, उन्होंने अगला जीओ भी फैक्ट दे रखा है,
आगे फिर उसको रिलीज करेंगे तो फिर तो चले जाएंगे आप। फिर बात ये आती है निकल के, सर शॉर्ट हैंड तो फिर भी नहीं आएगी हमको। तो देखो मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट हैंड यहाँ पर मैं जो सिखाता हूँ वो 20 से 25 दिनों में आपका कोर्स समाप्त हो जाता है, 1.5 से 2 महीने में आपकी शॉर्ट हैंड तैयार हो जाती है, 80 के आसपास, 90 या 84 इतनी। और बहुत से इस चीज को सुन के ना बड़ा बोल रहे थे कि ये कैसे करा देते हैं, बहुत से बुराइयां करने लगे कि ये सर कैसे कर देंगे, हमारे यहाँ तो 1 साल लग जाती है, 2 साल लग जाती है, 1.5 साल लग जाती है, कि इतना लग जाता है, ये कैसे सिखा देंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट कुछ टीचर्स, अरे भाई होता हुआ यार, आप जैसे पढ़ाते होंगे वैसे कराते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन पे कैसे सीख जाओगे सारी चीजें। ये जो जल्दी सीखने वाला है तरीका, यहाँ पर मेहनत कराई जाती है बच्चों को और ऑफलाइन में ही मिल पाता है ये चीज, क्योंकि और सब्जेक्ट जो है ना वो तो ऑनलाइन हो भी जाएगा, शॉर्ट हैंड में बारीकियां चीजें हैं वो समझानी पड़ती, तो ऑफलाइन में ही होगा, समझ रहे हैं। और बहसबाजी क्या करनी है, आपके नियम जैसे पढ़ाते हैं, जिस प्रकार से, जिस भी प्रणाली से पढ़ाते हैं, मैं अपनी प्रणाली से अपने द्वारा पढ़ाता हूँ और कोर्स जल्दी समाप्त करा के डायरेक्ट स्पीड पे लाया था। और आप लोग क्यों बेवकूफ बने हुए, या फिर बहुत सौ ने दूसरों पर उस पर कमेंट्स बाजी करी थी कि भाई ये बेवकूफ बना रहे हैं या वो चीज़ बना रहे हैं, मैंने तो टाइम ही नहीं देखने का, बच्चे ही बोल रहे थे कि सर ऐसी ऐसी कमेंट आ रही थी और बच्चे बता, तो भाई आप क्यों समझदार हैं यार, आपको कौन बेवकूफ बना लेगा, आपने इतने इतने बड़े पेपर दिए हैं, कौन बना लेगा आपको। यहाँ तो जब टेस्ट होता है वो टेस्ट नहीं शॉर्ट हैंड सिखाते हैं, तो यहाँ तो 5-6 दिन तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करते बच्चों का। आप पहले आओ 4-5 दिन देखो, यहाँ के बच्चों से पूछो कि अभी ये वास्तविकता है या नहीं। मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं देखो आता है, मैंने कराए यहाँ पर, देखोगे तो कई बच्चे तो इतने दिन में 2-2.5 महीने में लग गए, 3-3 महीने में उन्होंने सिलेक्शन भी ले लिया, समझ गए। मैं वैसे कुछ नहीं कह रहा हूँ सभी को, आप तो आए क्योंकि अचंभित लग रहा है सबको कि 2.5 महीने में 3 महीने में कहाँ से स्पीड आ जाए, 2.5 महीने 3 महीने को कोर्स होता है और आप स्पीड बना के दे रहे हैं, तो अलग हैं सबके नियम, अलग अलग हैं, समझ रहे। वहां कोई प्रणाली का, वहां किसी चीज का, किसी किताब से पढ़ के आए हो, वहां कोई नहीं पूछेगा इस चीज को, वहां तो सीधी कहानी है, उन्होंने जो मैटर बोला जो 5 मिनट का वो आपको शॉर्ट हैंड में लिखना है, समझ रहे हैं, और शॉर्ट हैंड में लिख के आपको ट्रांसलेट करके दे देना है। वहां ये कोई नहीं पूछा कौन सी प्रणाली से, किन से सीखा है, किन से नहीं सीखा है, समझ गए। तो वो आपको के इतनी जल्दी कैसे सिखाएंगे वो यहाँ पर आओगे तभी पता लगेगा, सही। अब वह समझें जो अच्छी तरीके से जानते हैं और चाह रहे हैं कि एग्जाम पास हो जाए, तो वो थोड़े से नियम समझें। आप लोग पहले तो भयभीत नहीं हो बिल्कुल परीक्षा को लेकर कि परीक्षा होगी पास के नहीं होगी, मैटर बहुत तेज बोलेगा कि हल्का बोलेगा। सबसे बड़ी कठिन बात यह है कि जो सीनियर स्टूडेंट है या फिर और कोई स्टूडेंट है वो थोड़ा सा कुछ बता देते हैं तो बच्चा घबरा जाता है, अरे यार ऐसा होता है, हम बेटर तेज बोल देते हैं, हल्के बोल देते हैं, कठिन बोल, इस चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो आप, कठिन बोलेगा हल्का बोलेगा कोई दिक्कत ना है, देख लेंगे। आप लोग पहले ही अपने माइंड को भयभीत कर लोगे ना तो फिर नहीं कुछ होगा इसमें शॉर्ट हैंड, कि 5 मिनट ही बहुत आपकी जिंदगी बनाएंगे, इस 5 मिनट में आपने वो मैटर लिख लिया तो ठीक है, तो आप शालीनता से रहें, किसी से ना बात करें, कुछ नहीं होगा सो हो जाएगा, क्यों परेशान, क्या होगा। वो कहते हैं ना बच्चे की स्पीड बढ़ जाती घट जाती है, अरे स्पीड बढ़े और घट नहीं जाती है, ना ही एग्जामिनर घटाते हैं बढ़ाते हैं, क्यों बढ़ाएगा, उसके घर से क्या जा रहा है एग्जामिनर को वो स्पीड बढ़ाएगा, आपको ही नहीं पता है। होता क्या है, जैसे 1 मिनट में जैसे स्पीड निकाल लें, 5 मिनट बोल लें, अब हुआ क्या 5 मिनट के 1 मिनट में, या फिर जैसे स्टेप लगाते हैं स्पीड के 15-15 सेकंड के लगाते हैं, या कोई आधे आधे मिनट का लगा लेता है स्टेप, कोई 1 मिनट का लगा लेता है स्टेप, तो होता क्या है जैसे बोल रहे हैं, अब 1 मिनट में क्या है छोटे छोटे वर्ड आ गए, जैसे देश में हो रहे हैं इस प्रकार के कार्य, ठीक है सरल शब्द हैं छोटे से, और आप इनको मिला के लिख रहे हैं और बोलने वाले भी एग्जामिनर भी क्या बोल मिला के बोल रहे हैं, तो वहां तो आपको सरल लगेगा मैटर और कहोगे कि बहुत आराम से चल रहे हैं। अब वही क्या है अगले मिनट में बड़े बड़े वर्ड आ गए, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे शब्द आ गए, अब ना ही एग्जामिनर मिला के बोलेंगे उसको और ना ही तुम मिला के लिख रहे हो उनको, तो वहां क्या होगा, वहां आपको लगेगी तेज बोली जा रही है स्पीड, स्पीड तेज नहीं बोली यार, वर्ड बढ़ गए,
बड़े बड़े वर्ड हो गए, समझ गए। तो वो चीज है, स्पीड मेंटेन करके चलते हैं। वहां कई लोग जब बोलते हैं तो उनके पीछे टाइम लेके खड़े होते हैं कि भाई सही चल रहा है या नहीं, बट इन्होंने गलत लिखा वो भी चीज नोट करते हैं सारी। इन्होंने तेज करी तो वो वहां भी रोकते हैं, भैया हल्की चल, ये चीज बताते हैं उनको, तेज नहीं बोलेगा कोई, ठीक है। उनको लेने हैं बच्चे, स्टूडेंट लगाने हैं, ना कि निकालने हैं। अब बात आ जाती है, तरह तरह की बातें रहती हैं, अपना देने सभी जाए। मैं तो कहता हूं देने सभी जाए। मैं कितना भी बता दूं, आपके क्षेत्र के टीचर कितना भी बता दें, कोई भी कितना भी बना दे, पर जो भय है ना, जब तक तुम परीक्षा देने नहीं जाओगे तब तक निकलेगा ही नहीं। तो परीक्षा देने हर कोई जाया करे, और क्या पता कि वो तीसरी लिस्ट डाल दें तो जो प्रेजेंट होंगे उन्हीं को लेंगे दोबारा। मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ, फिर भी क्या पता डाल दें, बच्चे ना मिले, क्योंकि उन्होंने एक नोटिफिकेशन में दिया था कि 40% तक के सभी बच्चों को उसके टेस्ट पर भेजेंगे। अब एक बार इतने बुला लिए, क्या पता इनमें से किसी को नहीं आती शॉर्टहैंड। हम कह रहे हैं आ भी रही, कुछ को आ रही है, कुछ निकल पाए, फिर भी सीट खाली रहेगी। क्या पता कि जब रिटर्न में क्या पता उसका अंक कम कर लो, 40% तक ले आओ, और भी बुला लेते हैं बच्चों को। तो ये चीज रहेगी, आप देने जाएं। और ना भी इन्होंने, मैं कहता हूं कि ये चीज नहीं करी उन्होंने, तो क्या उन्होंने अगला भर्ती का जीओ भी पास कर रखा है, उसमें आप निकाल देंगे तो फिर कहेंगे सर दिक्कत ही तो रही, फिर भी सीखेंगे क्या वहां। तो भाई टाइम निकाल के आज ही ऑफलाइन हम पढ़ा देंगे, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे हर जगह जो भय बना रखा है ना कि 6 महीने में, कि 1 साल में, कि 1.5 साल में, 2 साल में आएगी, बच्चा इस वजह से आशुलिपि की तैयारी नहीं करता, समझ गए। हमारे यहाँ पर कई जगह से बच्चे के सर 1 साल में आती है, 2 साल में, इस वजह से ना सीखे, इस वजह से हम टाइपिंग टाइपिंग दे आए, वो क्लर्क वाली पोस्ट पे ही दिया। और एक इतने टाइम पे शॉर्ट हैंड भी आ जाती है, बहुत से कह रहे हैं कि हमको तो सर टीचरों ने बताया कि भाई ये 2 साल में आती है, कि 1 साल में आती है, कि 1.5 साल में आती है। तो मैं कि भाई उनके नियम से आती होगी, यहाँ तो ये सारे बच्चे बैठे पड़े हैं, इनसे खुद पूछ लो, ठीक है। तो हर किसी के नियम अलग अलग हैं। कोई मैथ, अरे ऐसे ही जैसे मैथ का ले लो, कोई मैथ का सवाल करा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, किसी ने प्रश्न पढ़ के भी कर दिया एकदम हल। तो ऐसे शॉर्ट हैंड के भी है, हर किसी के अलग अलग बने पड़े हैं, हर किसी के अलग अलग प्रणाली के तरीके बने पड़े हैं, सही है। अब जो परीक्षा मतलब जो शॉर्ट हैंड अच्छी तरीके से जानते हैं वो परीक्षा देने जा रहे हैं, वो थोड़ी बातों का ध्यान रखेंगे। क्या, पहले तो नोटिस अभी जारी करा था, उसमें साफ लिखा है कोई भी शॉर्ट हैंड के सिवाय, शॉर्ट हैंड के सिवाय और कोई लिपि नहीं लिखेगा। जैसे बहुत से क्या करते हैं, जैसे फटाफट कठिन वर्ड लिखा तो हिंदी नोट छोड़ देते हैं वहां, या कोई और लिपि में लिख देते हैं, कट जाएगा वो पूरा मैटर, गलती हो जाएगी सारी, समझ रहे। साफ लिखा है और कोई भाषा का और किसी लिपि का वर्ड लिखा हुआ नहीं दिख जाए, सिर्फ हिंदी की ही शॉर्ट हैंड होनी चाहिए उसमें, ठीक है। क्या करेंगे, सर्वप्रथम सारा मैटर शॉर्ट हैंड में ही लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक। अब पूरे मैटर में मान लो 4-5 शब्द कठिन भूल गए, ठीक है, इतनी जल्दी आप भूले भी नहीं होंगे, उस समय लिखते टाइम भी आपने कुछ लिखे होंगे, और एकदम उसके बाद में जब आप लिख देंगे 5 मिनट, तो 2 मिनट 3 मिनट टाइम भी मिलता है कि आप पढ़ लें या अपना सिस्टम ऑन करें, तो उन 5 वर्डों को 6 वर्डों को देख लें स्पष्ट भाग और लिख लें शॉर्ट हैंड सही से, ठीक। और किसी से पूछने और बताने के चक्कर मत रहना, पूछने और बताने के चक्कर मरे मारे जाओ, क्योंकि वहां कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ आपका गलत कराएंगे, कुछ ठीक भी कराएंगे, ऐसे रहते हैं। पहले तो आपने जो लिखा है ना उसको करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको 40 मिनट दे रहे हैं, समझ रहे। बहुत से बच्चे तो बहुत बढ़िया कर लेते हैं, कोई 10 मिनट में, कोई 15 मिनट में, 12 मिनट में 400 शब्दों को ट्रांसलेट कर लेंगे, बहुत सौ से 40 मिनट में ही होगा, बहुत सौ से 40 में आ भी नहीं रहा हो, तो वो कहाँ से पूछना बताने का रहे, अपना अपना करना है। अब जैसे मान लो कुछ वर्ड रह गए आपसे कठिन होगा, तो क्या होगा, जैसे 3-4 ही वर्ड तो होंगे, आपने क्या ट्रांसलेट करने बैठ गए, ठीक है, ट्रांसलेट करने में जहां वो कठिन शब्द है उसको छोड़ दो, स्पेस दे दो, आगे बढ़ो, पहले 40 मिनट में जो आपने लिखा है पहले वो कर लो, बाद में सेंटेंस के हिसाब से वाक्य के हिसाब से आप पढ़ोगे तो आ जाए, पढ़ लो, समझ गए। उसके चक्कर में 2-3 शब्द के चक्कर में पूरा मत छोड़ना। बहुत सौ का यह आ रहा है कि सर वहां कौमे ब्राह्म बोले जाएंगे क्या उस मैटर में, कौमे ब्राह्म नहीं बोलते, कहीं भी नहीं बोलते, एक आध जगह कभी भूल गए अब तक, अब कभी नहीं बोले जाते, तो क्या सर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो लगाने जरूर होते हैं कौमे ब्राह्म, बोले या ना बोले। अब एक ही समझ लो, एक बात समझ लो, क्यों बोली जाएंगी कौमी ब्राह्मण,
आप मान लो डीएसपी या एसएसपी या किसी के आप स्टेनो बन गए, ठीक है, वहां मैटरबाजी मतलब वो स्पीच दे रहे हैं, तो कभी आपने कोई अधिकारी या कोई ऐसे देखा है सुनते हुए बोलते हुए कि मैं आज उस जिले में जा रहा हूं ब्राम, वहां जाने के बाद में कुछ सोचा जाएगा अलग अलग कॉमा, ऐसे ऐसे बोलते हैं क्या? जब वो बोलेंगे नहीं तो उस चीज की करनी क्या है? तो क्या सर एग्जाम में इनके नंबर वगैरह या मिस्टेक वगैरह नहीं कटेंगे क्या? तो गलतियां नहीं काटी जाती इसकी, ठीक है, कुछ जगह है कुछ इनमें नहीं काटी जाती, तो क्या फिर लगाएंगे नहीं लगाएंगे? तो लगाना है आपको कॉमा विराम तब भी लगाने, कैसे लगाएं फिर जब ना बोले जाएंगे तो लगाएंगे कैसे? तो आप लोगों को क्या है, अखबार पढ़ो किताब पढ़ो, और ना तो आपको ज्ञान होगा, पहला भी सीधी सी कहानी है जहां पूरा सही तरीके से वाक्य समाप्त हो गया, वह विराम आना है, पूर्ण विराम आना है, जहां वाक्य में प्रश्न पूछने वाली बात हुई वहां क्वेश्चन मार्क आना है, उस वाक्य में कोई अचंभित बात पूछिए वहां विस्मय बोधक चिन्ह आना है, लगातार कोई शब्द बोले ट्रैक्टर ट्राली इंजन तो वहां क्या है भाई वह आना है, कॉमा आना है, कोई विशेष बात बोली जा रही है किसी व्यक्ति के नाम वहां कॉमन वेटेड कॉमा आना है, कोई शब्द बार बार बोला जा रहा है तो भाई वहां डैश ही देना, ये चीज आपको पहले से पता है, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा है भी नहीं कि कॉमा और विराम बिल्कुल राइट रखते हैं, ठीक है, तो इन चीजों की ज्यादा गलतियां काटी भी नहीं जाती, समझ गए, पर लगा के चलने आप। अब बात आती है कि सर वहां पेंसिल ले जाने दे रहे हैं नहीं ले जाने दे रहे हैं, आप तो लेके जाओ दो तीन और चारों तरफ से आराम से सही, दोनों तरफ से आराम से सही से छील के लेके जाओ, अगर उन्होंने ना ले जाने जाएंगे तो कोई बात नहीं गुदेंगे अंदर से, और ले जाने जाएंगे तो आपकी है, पेंसिलों को कोई नहीं मना करता, हर जगह एग्जाम में अपनी अपनी लेके जानी होती है पेंसिल पेन, समझ रहे, ठीक, और एग्जाम कोई नहीं छोड़े, एग्जाम देने सभी जाए, ठीक, और बहुत से बच्चों का यह रहता है कि सर मान लो कि हमको आती नहीं क्या, तो वहां आपको सीख मिलेगी, भय निकलेगा, अगले एग्जाम में बैठोगे कभी आपको दिक्कत ऐसी ना आएगी, और जो देने जा रहे हैं जिनको अच्छी तरीके से सॉफ्ट हैंड आती है वो तो ध्यान दें विशेष करके, आप सबको धैर्य से जाना है, किसी को बताने के पूछने के चक्कर में नहीं जाना है, ठीक है, अपना करने की कोशिश करेंगे, बहुत एग्जाम में ऐसे होते हैं कि दूसरे का खराब करा दो, समझ गए ना, आपने उस समय जो सुन के लिखा है बस उसी को ट्रांसलेट करने की कोशिश कर, समझ गए, और ये उसका एग्जाम का ये रहेगा पैटर्न, समझ गए, तो आप सभी देने जाएं, मैं चाहता हूं भाई सभी सफल हो, और किसी कारण से कोई रह जाता है या कैसे भी रह जाता है जिनकी तैयारी ना है वो तैयार करना चाहे, अब भी ये बात रहती है कि सर आप कैसे दो से ढाई मंथ में या तीन मंथ में कैसे पास वो सिखा देते हैं, तो भाई एक बार आके देख लो, आप कोई जबरदस्ती नहीं है कि हम ही सिखा देते हैं, आपको अच्छा लगे पढ़ो, नहीं लग रहा है मत पढ़ो, समझ रहे ना, इस बाजे में क्योंकि झूठ बोल रहे हैं सर कि ये बता ही नहीं पाएंगे कि ऐसे ना हो ही नहीं सकता, अचंभित है, कौन करा देगा, तो यहाँ पर दो से ढाई मंथ की तीन मंथ की तैयारी करके शॉर्ट हैंड 80, 80, 90 ये निकाल के सिलेक्शन भी पा गए, SSC की 80 की स्पीड निकाल के 100 की स्पीड निकाल के, समझ रहे, कोर्ट की 80 की स्पीड निकाल के, आप सबके कोई नियम होंगे होंगे हमारे अलग, ठीक है, तो ये देने जाएं, मैं कहता हूं सभी बच्चे पास इनको आता है नहीं आता है वो भी देने जरूर जाएं, ठीक है, ये इस चक्कर में ना कि दूसरे ने कह दिया अरे बड़ा कठिन बोलेगी, कठिन के चक्कर में आप ना गए वहां बहुत इजी मैटर बोल गए तो फिर कोस हो गए आप एक दूसरे को, तो देने जरूर जाए, सही, भय मुक्त होके जाए, ठीक, वहां ऐसा कुछ नहीं कि आपको नहीं आ रहा है तो आपकी और भी कुछ वहां अगले एग्जाम में नहीं बैठे, ऐसा भी कुछ नहीं, ठीक है, शॉर्ट हैंड बहुत ही इजी रहती है, कोई हार्ड नहीं है, किसी के चक्कर में ना रहे कि को हार्ड बोला जाएगा मैटर के, तेज बोला जाएगा कि हल्का बोला जाए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, पेंसिल वगैरह पेन वगैरह आपने लेके जाए अगर जमा करा लें तो कोई बात नहीं, ना लेके जाए और ना तो फिर देंगे वो, सही है, चलो तो एग्जाम देने सभी जाए अपने सभी।